हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स बैक अगेन इन आवर क्लास एम्ड इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर कवरिंग द टू टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर गोइंग ऑन नेम कंबसन एंड फ्लेम। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सटिंग्विशिंग द फायर कि आग को कैसे बुझाते हैं, कौन फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सर्विसेज तो उसको, और साथ में आज हम पढ़ेंगे फायर ट्रायंगल। व्हाट थ्री नेसेसरी कंडीशंस आर नीडेड टू जनरेट फायर इन एनी सब्सटेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड हैव फोकस टिल द क्लास गोइंग और गोज ऑन। ओके, तो फर्स्ट बिफोर डिस्कसिंग वी विल डिस्कस वन टॉपिक, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लामेबल का मतलब होते हैं आसानी से जलने वाले, इजिली इग्निटेड और इजिली बर्न। और सब्सटेंस आपको बताइए, ऐसे पदार्थ जो आसानी से जल जाए। व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजिली। क्या होगा इसके अंदर? लो इग्निशन टेम्परेचर and catch fire easily are called inflammable substance. What are the examples of inflammable substance? They can be petrol, diesel, alcohol, CNG, LPG, magnesium ribbon, cooking oil, kerosene oil, एटसेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो नाउ वी बैक अगेन ऑन आवर मेन टॉपिक नेम एक्सटिंग्विशिंग द फायर। सो डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव सीन दैट व्हेन ए बिल्डिंग कैच फायर, सो व्हाट इज डन बाय द पीपल्स? So one thing that they will throw water on the building in which the fire has broken out, or they will call the fire brigade service so that they will come on the place at once and they will control the fire that is going on in the building, so that the most of the things that are inside the building don't come in contact with the fire and they don't get burned. Okay, so dear students, what is the telephone number of fire service? Telephone number क्या होता है बेटा fire service वालों का, कौन बताएगा मेरे को? Yes, इनका number होता है 101, but few months back, कुछ ही हफ्ते पहले, the Haryana government has changed. Although this number, you can also call at this number to get the fire extinguisher facility, but the government has given only single number for all service, for fire, for accidental service and for delivery of the child if any woman is pregnant. Okay, so it will be your, can you tell me what is this number? Yes, tell me what is this number? Yes, dear students, tell me what is this number? Okay, if you don't know, then I telling you. It is 112, 112 पे मिला के आप किसी भी तरह की हेल्प आप ले सकते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ डज ए बिल्डिंग कैच फायर? So dear students, we will come here on fire triangle. What is fire triangle? It shows that fire, to catch fire anything, a thing need three conditions. First is fuel. आग को पैदा होने के लिए तीन चीजें, fuel. Fuel का मतलब क्या है? Substance, जो चीज जलेगी, जिसमें आग लगेगी. दूसरा क्या है? Air, हवा. और उसके अंदर कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, बिकॉज दिस गैस हेल्प्स इन बर्निंग. तीसरी कौन सी?
चीज, यस इट इज योर हीट, हीट और आईटी, इग्निशन टेम्परेचर। सो दीज थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, फ्यूल जो चीज जिसमें आग लगेगी, एयर ऑक्सीजन गैस और हीट इग्निशन टेम्परेचर। एज्यूम दैट दिस इज ए बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग कोट फायर एंड इट इज बर्निंग वेरी हाईली, ये बहुत तेजी से जल रही है, स्पीडली। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस द फ्यूल इज बिल्डिंग, जो बिल्डिंग वो फ्यूल है ना, क्योंकि वो जल के क्या दे रही है, आग, उसके अंदर तो आग लगे तो फ्यूल वो है, एयर उसको मिल रही है आसपास से तो और भी ज्यादा उसमें आग लग रही है, और हीट मिलने से तो क्या हुआ, उसमें आग लगी है। सो थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ए फायर टू ब्रेक आउट, फ्यूल जो चीज जलेगी, एयर ऑक्सीजन गैस और हीट इग्निशन टेम्परेचर। सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर आपको एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बेटा वाइप आउट, बुझाना, अगर आपको बुझानी है तो बुझाने के लिए आपको इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। आप फ्यूल को ही हटा दो, आप हवा को सप्लाई मत आने दो, या आप जो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको और नीचे ले आओ। ठीक है बेटा, देखो कैसे, व्हेन यू कॉल ए फायर ब्रिगेड सर्विस व्हाट दे डू व्हेन दे अराइव एट द स्पॉट वेयर द फायर हैज ब्रोकन आउट, जहां पर आग लगी है तो वो करते क्या है, दे टेक दियर पाइप इन दियर हैंड्स एंड दे टर्न द नोब ऑफ द पाइप एंड द पाइप थ्रो द वाटर एट ए वेरी हाई स्पीड एट ए हाईर प्रेशर, जो पानी है पूरी प्रेशर से किस पे पड़ता है, बिल्डिंग पे। बिल्डिंग क्या है, फ्यूल, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एयर ऑक्सीजन, और बिल्डिंग साथ में क्या हो चुकी है, हीट गर्म, तो तीनों कंडीशन है ना, तो इसी वजह से इसमें आग लगी हुई है। अब जैसे ही आप इस पे पानी डालेंगे तो पानी डालने से जो बिल्डिंग गर्म हुई हुई है, हीट हुई है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, लो, घट जाएगा ना, क्यों, बिकॉज वाटर हैज इट्स ओन टेम्परेचर, वाटर इज कूल, और उसका वो हीट है, हॉट है वो, तो जब बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस पे ऊपर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, जो पानी की सप्लाई है, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आपने बहुत बार ये किया होगा कि जब भी कि आप किसी कपड़े वगैरह में आग जाती है तो आपने देखा होगा वो कि लोग पानी डालते हैं, वाटर, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका इट इज ए जनरल फायर एक्सटिंग्विशर, कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड बाय द पीपल्स टू एक्सटिंग्विश द फायर दैट हैज ब्रोकन आउट एनीवेयर एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, दे कैन यूज वाटर। पानी का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में। तो व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर सर्विसमैन, एक आग बुझाने वाले आदमी का काम क्या होता है, चाहे तो वो जो चीज की सप्लाई उसको बंद कर देगा या उसके ऊपर वो उसका इग्निशन टेम्परेचर नीचे ले आएगा। तो जैसे वो पानी डालता है तो क्या होता है, जो वाटर होता है बेटा, वाटर क्या पड़ता है, उस चीज के ऊपर पड़ता है। तो ये तो क्या थी, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या पड़ गया, पानी, और ये ऑक्सीजन की लेयर। अब ये अंदर इस बिल्डिंग में क्यों नहीं लग पा रही, क्योंकि बीच में किसकी लेयर आ गई, वाटर की, और साथ में इग्निशन टेम्परेचर भी किसका कम हो गया है, इसका, बिल्डिंग का, तो आपकी आग बुझ जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ओके लेट्स स्टार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में। सबसे पहला है आपका वाटर, वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O। यू सी दैट वाटर इज यूज्ड टू कंट्रोल फायर caused by जो आग है, ठीक है बेटा, ऐसी आग जो किससे लगी है, पेपर से, कागज से लगी हुई है, वुड है, लकड़ी से, या क्लोथ, कपड़े से। इन तीनों आग को बुझाने के लिए, कागज से लगी हुई आग, लकड़ी से लगी हुई आग, कपड़े से लगी हुई आग, या कपड़े के, जैसे कपड़े में आग लगी हुई है, लकड़ी में आग लगी हुई है, पेपर में आग लगी हुई है, तो इनको बुझाने के लिए आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी क्या है, एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का क्या है, एक चीज है। आप इस पे डालोगे, जैसे कागज पे डालोगे तो कागज, जैसे कागज जल रहा है तो कागज पे डालोगे तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी, लकड़ी पे डालोगे लकड़ी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बुझ जाएगी आग, कपड़े पे डालोगे तो कपड़े का टेम्परेचर को ऑक्सीजन नहीं मिली, सप्लाई बंद,
पानी डालने से ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, तीन चीजें में लगी हुई आग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अगर आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अगर मान लो किसी बोर्ड में आग लगी हुई है और बोर्ड में आग लगने से पूरे घर में आग लगने लग रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आप और ऑयल में और पेट्रोल में, पेट्रोल से लगी हुई आग या ऑयल, हाँ सॉरी हो चुका है, तो इस क्या विल यू यूज वाटर फॉर द फायर कॉज बाय देम आल्सो। क्या आप ऐसी आग जो बिजली के कारण, तेल के कारण या जो आपका पेट्रोल इट इज ऑल्सो ऑयल, तो क्या इन तीनों को बुझाने के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल करोगे? सो वी विल नॉट। देखो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इफ मान लो अगर आपके बोर्ड में आग लग हुई है और उस आग लगने से तारे जल रहे हैं और आपके सभी घर में आग लगा सकती है, तो जैसे ही आप पानी इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे डालेंगे, बिजली वाले बोर्ड पे डालेंगे, तो आपने यू हैव लर्नड इन अवर प्रीवियस क्लासेस दैट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दे सकता है। सो when you throw water on the fire caused by electricity, so you can get a very high shock and it can lead to you death also. इससे आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जो करंट है वो पानी से आता है वो आपके पास आएगा और आपको झटका लगाने से मौत भी हो सकती है। तो पानी इस इलेक्ट्रिसिटी के में नहीं पहुंचेगा। ऑयल में क्या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। इन सिक्स क्लास वी रेड चैप्टर नेम separation of substances. In this we learned that oil does not mix with water. Why? Because oil is insoluble in water, and when we mix oil in water it makes a separate layer, so forming the oil comes on top layer and the water goes below the oil, because water is heavier than oil and oil is lighter than water. जो तेल है वो हल्का होता है पानी से तो ऊपर रहता है, और इस वजह से चाहे आप कितना भी पानी डाल लेना वो ऊपर ही आ जाएगा मिक्स होके और आपकी आग बुझ ही नहीं पाएगी, तो और भी ज्यादा फैल जाएगी, है ना। पेट्रोल में भी ऐसा होता है, ये भी ऑयल के कंडीशन में केस होगा। तो फिर इनको कैसे बुझाएं? हाउ कैन वी कंट्रोल सच फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय ऑयल एंड पेट्रोल? सो आप सभी ने लाल रंग के सिलेंडर आपने लटके हुए देखे होंगे। यू मस्ट हैव सीन रेड कलर सिलेंडर्स हैंगिंग इन द हॉस्पिटल्स, इन द गवर्नमेंट प्लेसेस, इन द स्कूल्स एंड इन द हॉस्पिटल्स एंड इन द प्राइवेट प्लेसेस एंड carbon dioxide gas wala cylinder का इस्तेमाल करते हो, जिसमें से आपको white कलर का पाउडर के रूप में गैस सी बाहर निकलती है। ओके सो बेटा जो ये CO2 होता है ये किसके रूप में स्टोर किया जाती है? होती है लिक्विड के रूप में। किसके रूप में स्टोर की जाती है? ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है हाई प्रेशर पे, और जैसे आप इसकी बटन को दबाते हो तो हाई प्रेशर से बाहर निकलती है और ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी हुई है बोर्ड में उसके अंदर क्या, अब जो CO2 है वो कैसे आग, जो CO2 है बेटा वो ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है। CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, तो जैसे ये CO2 वाले जैसे आप सिलेंडर से और नाली से जो CO2 गैस बोर्ड पे पड़ेगी, तो जो CO2 वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बोर्ड के ऊपर उसके अंदर चली जाएगी गैस, CO2 गैस, और ये जाने से क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और साथ में आपका जो बोर्ड है ना वो भी क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा जलने से। ये भी इसका एक मेन एडवांटेज लाभ है कि आपका जो बेनिफिट क्या है, जो CO2 वाला जो आप आग बुझाने वाला सिलेंडर अगर आप यूज करते हो, ऐसी आग जो बिजली से लगी है, तो उससे आपका क्या रहेगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली बोर्ड है वो भी आपके सुरक्षित रहते हैं, और इससे आप क्या किसको भी
वो कर सकते हो, बुझा सकते हो सीओ टू वाली से, आप इसे तेल वाली आग को बुझा सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका क्या है, ये सीओ टू फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। हैव अ लुक ऑन इट। और एक और तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो, जलती हुई आग के पास आप दो केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है KHCO3। जैसे आप इनको फायर के पास डालेंगे, आग के पास डालेंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करके क्या छोड़ देंगे, आप इस CO2 गैस को बाहर छोड़ देंगे। और आपने अभी सीखा है कि CO2 गैस क्या करते हैं, बुझाने का करते हैं, आपकी आग बुझ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर डी स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर एंजॉइंग अवर वीडियो अगेन एंड अगेन। सो डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो टू गेट एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड टू ईच अदर, एंड आई होप यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। So we will meet in our next video. Till then, bye-bye, have a nice day and take care.